नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज देखी थी और उसके रिगार्डिंग सम रूल्स पढ़े थे। सो रूल्स फॉर एक्टिविटी सीरीज, और उस देखे थे कि कैसे हम इस एक्टिविटी सीरीज को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो जगह पर, एक जगह Fe2+ आ रहा है और एक जगह Fe3+ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर Fe अपने से नीचे इन सब के साथ रिएक्ट करता है, इनके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो 2+ की वैलेंसी शो करता है। जैसे कि अगर Fe Cu के साथ रिएक्ट करे तो क्या करेगा। सो Fe+CuSO4, तो CuSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये 2 की वैलेंसी शो करेगा FeSO4, बिकॉज Fe इज अबव CuSO4, तो वो उसको डिस्प्लेस तो कर ही देगा और कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। तो इस तरीके से इसने 2 की वैलेंसी शो की। और वही अगर Fe यहाँ पर इन सब के साथ रिएक्ट करें, जैसे मान लीजिए Fe गोल्ड क्लोराइड के साथ करता है ये, तो 3 की वैलेंसी शो करेगा। तो इसके नीचे वाले के साथ 3 की वैलेंसी और इससे नीचे वाले के साथ 2 की वैलेंसी। जैसे Fe गोल्ड क्लोराइड AuCl3 के साथ करें तो ये FeCl3 बना देगा और गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस इज गोल्ड, तो गोल्ड डिस्प्लेस हो गया। सो दिस इज गोल्ड 3 क्लोराइड, दिस इज 3+ माइनस, तो यहाँ पर ये 3+ की वैलेंसी के साथ इससे रिएक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ है कि Fe किस तरीके से रिएक्ट करता है। नाउ वी विल सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 10, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग Name the substance X and write its formula. Name the substance X and write its formula. And next part पूछा गया है, write the reaction of substance X with water. Write the reaction of substance X with water. हम लोग जानते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे घर में वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। सो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिला दिया जाए तो लाइम वाटर बन जाता है, उसी को हम यूज़ करते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड को एक्टिव लाइम भी कहते हैं। इट इज एक्टिव लाइम, और वाटर में मिला देने के बाद ये CaOH होल ट्वाइस बनाता है और इसमें हीट निकलती है। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो एक्टिव लाइम का मतलब तेज चूना, तेज चूना। तो इसको हाथ में लेने पर हाथ कट जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, तो यही चीज एक्स हो गई, दिस इज एक्स। तो पहली बात क्या हो गई, सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, एंड इट्स रिएक्शन इज गिवन अबव,
और इसकी रिएक्शन इज गिवन अबव. तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि सब्सटेंस एक्स क्या है, और सेकंड पार्ट ये हो गया कि इसकी रिएक्शन क्या है. तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है. बाकी ये रिएक्शन किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम देख लें कि क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा. ये देखिए इसमें हीट निकलती है. तो हम क्विक लाइम है, चूने में पानी डाल रहे हैं तो पानी भी गर्म हो जा रहा है. ये देखिए तो किस तरीके से हीट निकल रही है क्विक लाइम में, बबल्स भी उठ रहे हैं. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जब भी चूने में पानी डालते हैं तो ये देखिए बॉइलिंग भी हो रही है, पानी कैसे बॉइल हो रहा है. तो इससे पता चलता है, इसी से हम लोग वाइट वॉश करते हैं. जब ये ठंडा हो जाता है थोड़ा सा तो इसके बाद इसी सॉल्यूशन से वाइट वॉशिंग की जाती है, और ये लाइम वाटर कहलाता है. तो ये चीज़ें, सो इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है. तो क्विक लाइम में अगर पानी डालेंगे तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. या ये कह सकते हैं इसे स्लेकेड लाइम. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ढीला पड़ गया. देखिए लिखा है स्लेकेड लाइम. व्हाट डज इट मीन बाय स्लेकेड लाइम? तो क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, अगर क्विक लाइम को आप ज्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो क्विक लाइम तो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन पानी मिलाने के बाद वो पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो चूना ढीला पड़ जाता है. तो ये नीचे इसके मिलेगा मिल्क ऑफ लाइम. तो मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसके ऊपर लाइम वाटर होगा. लाइम वाटर क्या है? ये मिल्क ऑफ लाइम की बहुत कम सॉल्युबिलिटी है. तो 0.01% CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन है. मतलब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा ऊपर का. तो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट है और नीचे चूना बैठा हुआ रहेगा. ये वाइट कलर का मिल्क ऑफ लाइम है तो वाइट कलर का होगा. तो इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला दिया जाता है और फिर घर में पुताई की जाती है. लेकिन फिर भी ये जो भी चीज़ है, चूना इससे ढीला पड़ गया है तो ढीला चूना, या इसे स्लेकेड लाइम भी कहते हैं. तो इसका नाम है स्लेकेड लाइम या ढीला चूना. ढीला चूना, वैसे इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है. यहाँ लिख लेते हैं. सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. सो इनको मिलाने से ये बनता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सो व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ना लिख के लिखे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देन वाई इन वन ऑफ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब. अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल देन द अदर टेस्ट ट्यूब. ऐसा पूछा गया है कि एक में ज़्यादा क्यों है. तो यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इन एक्सपेरिमेंट जो भी दिया गया है एक्टिविटी 1.7, तो एक में जो गैस है आप देख रहे हैं ज़्यादा है और एक में कम है. तो कह रहे हैं ये ज़्यादा क्यों है और ये कौन सी गैस है, जिसमें कम है वो कौन सी है. तो कम वाली ऑक्सीजन है,
ज़्यादा वाली हाइड्रोजन है। तो इसका सोल्यूशन या आंसर देखें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो प्लस ओ टू ये बनता है। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड इज ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड डबल होता है। सो ये ट्वाइस होता है तो ये हाइड्रोजन एच प्लस होती है, तो जहाँ कैटायन जाता है वो कैथोड पर जाता है, कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाए उसे कैथोड कहते हैं, और ये ओ माइनस जहाँ जाएगा तो एट एनोड होगा। तो इस तरीके से कैथोड और एनोड पर ये होगा। तो एच प्लस कहाँ जाएगा, एच प्लस निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो इस में ये दिखाया भी गया है, खैर आपके बुक में तो नहीं दिखाया गया है पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पर अगर बनाया जाए तो जहाँ एच प्लस जा रहा है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जहाँ ऑक्सीजन जा रही है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये भी दिखाया जा सकता है। नाउ बाकी एनोड तो लिखा है और कैथोड लिखा है, बाकी निगेटिव पॉजिटिव हमने बता दिया आपको। तो ये चीज है, हाइड्रोजन रिलीज इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, तो हाइड्रोजन डबल है ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। हेंस यही इसका आंसर है कि क्यों डबल है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द अदर, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देख लीजिए। सो इन वन टेस्ट ट्यूब द गैस कलेक्टेड इज डबल देन द अदर। सो कलेक्टेड कहाँ पर, एट कैथोड इज डबल देन द गैस एट एनोड। तो एनोड पर जितनी गैस होगी उसकी डबल कैथोड पर गैस होगी, यही बात यहाँ पर बताई गई। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।